ये यहाँ पे कोई ज़ियारत शरीफ है, यहाँ पे लेपर्ड्स का खतरा होता है। मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बकरा बनेगा, उस हिसाब से बना होगा। एक चीज का हमें दुख रहेगा वो ये कि मैं तो अकेले आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि कालू भाई कह रहे थे कि यहाँ पे रांटस है। मछलियाँ हमने ख़त्म कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बकरे को पकाने के लिए जो है वो जगह तैयार की जा रही है, बकरे को बाहर निकाला जा रहा है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बकरा पकाने के लिए तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बकरा जो है वो पकने के लिए लग चुका है, और यहाँ से हमारी चाय भी तैयार है। ये चाय वाले भाई साहब, और ये हमारे अजीज नसीर साहब, इतरत साहब, इरफान साहब, और ये एक और भाई हमारे साथ। तो चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ा सा टहल लेते हैं। चलें जी, मैं और इतरत साहब जा रहे हैं बटर लाने के लिए मार्केट, और मार्केट जाने आने में हमें 1.5 घंटा लग जाएगा। चलें, 4:30 का टाइम हो चुका है, मतलब 6 बजे हम वापस पहुंच जाएंगे। देखते हैं तब तक ये लोग या तो बकरा खा चुके होंगे या तैयार हो चुका होगा। आला क्रॉस करके जाना है उस साइड, वहाँ से हम जाएंगे मार्केट। ये यहाँ पे कोई ज़ियारत शरीफ है, काफ़ी पीसफुल जगह है। जब हम रास्ते से आ रहे थे तो यहाँ रुक गए, काफ़ी ज़्यादा सुकून यहाँ पे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है ऊपर ऊपर ज़ियारत शरीफ है। ये है जी यहाँ पे वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी की हट्स। अस्सलाम। नाम कुछ नाम आप क्यों कर रहे हैं भाई? अच्छा पतंग, वो पतंग। चलो, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है, और पिछले 40 मिनट हम चलते रहे, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, इसलिए टाइम ज़्यादा हमें लगा यहाँ तक। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं जी मार्केट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बटर देखना है कहाँ मिलेगा, वापस जल्दी जाना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए हमें 40 मिनट का ट्रैक करना पड़ा। अभी कहाँ से जाना है सर? वहाँ से जाना है। तो अभी हम उस वाले रास्ते से जाएंगे जहाँ से हम सुबह गए थे, तो इस वाले रूट को हम करते हैं स्किप। हाँ भाई की चलो, शुक्रिया। चले बिल्कुल। तो ये है जी अठवतू का मार्केट, और प्यास यार बहुत ज़बरदस्त लगी है, कहीं से पानी मिलता ना थोड़ा सा गर्म। बुशिन त्रेश मा बन, बुशिन त्रेश। अच्छा चलें, ठंडा पानी यहाँ पे भी है पीने के लायक, लेकिन हमें गर्म पानी पीना। यहाँ पे सुबह हमने अपनी गाड़ियाँ रखी थी ये दो, और यहाँ से हम गए थे। अब यहाँ से आए, यहाँ से फिर से जाना हमें। डिस्पोजेबल का सामान देखना है, हमने घर से नहीं लाया था, तो अभी हमने यहाँ पीछे कंफर्म किया, इन्होंने कहा यहाँ पे मिलेगा, एक दुकान है। काफ़ी ज़्यादा थकावट फील कर रहा हूँ, और प्यास भी लग चुकी है। अभी हमने
पता किया था, इनके पास डिस्पोजेबल आइटम्स नहीं है। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अब वापस ना, बस चलें जी। बटर भी ले लिए, पानी भी पी लिया, अभी चलते हैं, मिलते हैं सीधे वहीं। अभी हमें चढ़ना है, चढ़ाई करनी। बिल्कुल बिल्कुल, तो चले वहीं मिलते हैं। शाम के बराबर 6 हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं जी अपने स्टे पे वापस। ये है जी, हमने रखा था दही यहाँ पे, इसको लेते हैं। और ये पेप्सी, वैसे ठंडा नहीं करना था लेकिन इन लोगों का शौक, क्या करें, शौक बड़ी चीज़ है। बिस्मिल्लाह। अभी होप करते हैं कि हमारा बकरा जो है वो तैयार हो चुका होगा। हेलो सर। ओहो हो, ये तो ढांचा ही रह गया भाई। अभी बकरे को वहाँ ले जाके मक्खन लगाया जाएगा, उसके बाद फॉइल में इसको रैप करके आग में डाला जाएगा। वस्ती क्या भाषा है? बड़ा टेस्टी है। एक और प्रोसेस स्टार्ट। हमने अपने हिस्से की रान यहाँ पे रखी है। अभी हमारा जो है ना बकरा फाइनल स्टेज में। आनंद गौर था ना सामान अंदर पातिम खेन, तो चले ये सामान वगैरह अंदर लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि पूरा ब्लैक आइज जो है वो बन चुका है, पैर टिकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिस्मिल्लाह। पकाजे अवस्था आराम से ना पकजे, मैं इन बूटस ग्रिप ही यार। एक चीज का हमें दुख रहेगा वो ये कि चावल नहीं बनने वाले आज। ये है जी रोम के व्यूज, वो वहाँ बुखारी लगी हुई है। आराम से, तो मैं चलता हूँ बाहर इतरत साहब के पास, वो वहाँ पे अकेले हैं। ये है बाहर के व्यूज। बकरा रेडी हो चुका है, हमने उसको रूम में लिया है और अभी यहाँ पे आग जल रही है, उसको ऐसे ही जलने देंगे। बाकी सारा सामान हमने जो है वो शिफ्ट कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बकरा बनेगा उस हिसाब से बना होगा। वैसे मैंने इससे पहले ऐसे ना बुन के बकरा कभी नहीं खाया है। चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। आज लोग सलाद बना रहे हैं और यहाँ से चिमनी गरम हो रही है। और ये है जी अपना बकरा। हमारे सबके हाथों की हालत यही है। मैंने ये पीस अपनी मर्जी से तैयार किया, आप ये खाओ, मैं इसको खाता हूँ। ये देखो जी, हाँ से जबरदस्त पीस बताया ना। बकर टेस्ट करें सर, आप भी थोड़ा सा ट्राई करें, हमारे हाथों की तरफ ना जाए। हमारे फोन में इशू हो गया जब हमने वो शिनजंग किया था ना नसीर साहब के साथ, तब ये फोन जो है बर्फ में चला गया था। तो अभी जब मैं इसमें चार्जिंग पे लगाता हूँ तभी दिखा रहा है कि लाइटनिंग पोर्ट में पानी चला गया है, तो इसको ऐसे सुखाया जा रहा है। तो ये वाली क्लिप मैं इतरत साहब के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आगे मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। बिस्मिल्लाह। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया चार्ज, हो गया।
तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब हो चुका है। ये यहाँ पे बुखारी जल रही है और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हर किसी के हाथ में फ़ोन है लेकिन नेटवर्क नहीं है, तो जो भी फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह अभी तक लिए हैं उनको देखा जा रहा है बस। टाइम क्या हुआ सर? 8:30 का टाइम हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है वो शुरू हो गई है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और अभी मैं इस बुखारी के पास बैठा हूँ, तब जाके थोड़ी सी जो है वो राहत मिल रही है। टोपी भी हमने चेंज कर ली है क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है अभी। वैसे मेरा प्रोग्राम है आज ट्री हाउस में नाइट स्टे का, और देखता हूँ साथियों में से कौन सा मेरे साथ आ जाएगा। ये हमारी टीम यहाँ से सर्दी से काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान है, पता नहीं यहाँ इसमें क्या इशू है, काफ़ी ज़्यादा धुआँ यहाँ जमा हो गया है। अभी चलते हैं इनके किचन में और चाय वगैरह पीते हैं। मैं अपने साथियों को कह रहा था कि हम लोग घर चलेंगे, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे लेपर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है, तो उस हिसाब से हमने मुनासिब नहीं समझा घर जाना। तो यही मुझे लगता है कि हम चारों लोग जो है ना ट्री हाउस के रूम में रुकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो रूम थोड़ा छोटा है और वहाँ पे ठंड वगैरह उतनी नहीं लगेगी। तो फ़िलहाल हम कालू भाई के किचन में जा रहे हैं। ओह चलें जी, शुक्रिया। और ये है जी दान, यहाँ पर ट्रेडिशनल दान। ये ना नसीर भाई ने हमारी जैकेट पहनी थी और चिंगारियाँ निकल रही थी दान से, मैंने सोचा शायद जला ही दिया आज हमारा जैकेट। ये रान बन रही है यहाँ पे। रात के 10:30 हो चुके हैं और अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं जी ट्री हाउस, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मैं तो अकेले आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि कालू भाई कह रहे थे कि यहाँ पे रांटस है। हाँ क्या चे? हाँ बिस्तर छा मैं आदर से जुगमाना सर्दी छ बेश रांटस। वैसे गर्मियों में यहाँ काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा सोने में, क्योंकि पास में जो नदी गुजर रही है ना इसके पानी के शोर से। बिस्मिल्लाह, ये है जी हमारे रूम का सेटअप। 3 लोग यहाँ सोएंगे, 1 बंदा यहाँ सोएगा। अब कौन कहाँ सोएगा ये तो नहीं कह सकते हैं, जिसके मुकद्दर में जहाँ लिखा होगा वो वहाँ सोएगा। चलिए जी, अभी हम पहुँच गए हैं ट्री हाउस और यहाँ पे रात गुजारनी है। काफ़ी ज़्यादा ठंड में फील कर रहा हूँ, मेरे पैर बिल्कुल सुन पड़ चुके हैं सर्दी की वजह से। तो ये था आज का वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर किया, यहाँ जो हमने दिन भर एक्टिविटीज़ की वो सारी आपके साथ शेयर की है। तो मुझे लगता है कि करते इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।